हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके साथ आलू पालक की सब्जी का रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी होती है ये सब्जी खाने में और इसे बनाने में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से रेडी हो जाती है। और अभी तो जो साग है वो काफ़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, फ्रेश साग अवेलेबल हो जाता है अभी, तो आप भी इस तरीके से बनाइए। चलिए इस वीडियो को पालक बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ के जी पालक ले लिया है, इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसके पत्ते अलग कर लिए हैं और वॉश कर लिया। अब इसे हम बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पर हमने पानी ऐड नहीं किया है, 4 सीटी हाई फ्लेम पर हमने लगाई थी, तो ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरीके का पेस्ट आपको रेडी करना है। पर हमने ले लिया है बॉइल्ड पोटैटोज, 5 मीडियम साइज के पोटैटोज हमने बॉइल कर लिए थे और उसे पीसेस में कट कर लिया। पीसेस हमने थोड़े बड़े साइज में ही रखे हैं। यहाँ पर हमने टोमेटोज लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टोमेटोज जिसे हमने चॉप कर लिया है। अनियन हमने 2 बड़े साइज के लिए थे जिसे हमने बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लगभग 2 टेबल स्पून लिया है, इसे भी हमने लगभग हमने क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पे मसाले लेंगे, जिसमें हमने सॉल्ट ले लिया है, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हमने ले लिया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून और जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हैं। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें हमने ले लिया है तेज पत्ते 2 बड़े साइज़ के हैं, 1/2 टेबल स्पून जीरा ले लिया है, 3 से 4 आप छोटी इलायची ले लें, यहाँ पर हमने 3 से 4 लौंग लिया है, 1 छोटा पीस हमने दालचीनी का लिया है और 2 ड्राई रेड चिली लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने 2 टेबल स्पून लिया है और जब ये गर्म हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा ऐड करने के बाद बाकी जो ड्राई खड़े मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। कुछ सेकेंड्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन और इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम इसे ढक लेंगे, लो फ्लेम पर ढककर हम 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, फ्राई होने देंगे। 2 मिनट बाद लेड हटाकर चेक करेंगे और इसे एक बार स्टर कर लेंगे। अब दोबारा फिर से हम इसे कवर करके पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर इस टाइम पर हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट होने के बाद लेड हटाकर हम चेक करेंगे, अनियन हमारा फ्राई हो रहा है, फ्राई ऑलमोस्ट 80% फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हम ऐसे ही इसे भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे और इसे स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट, यहाँ पर हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके हमने पकाया है लो फ्लेम पर। इसे हम स्टर करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लगभग 3 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है। हमने ऐड किया है जीरा पाउडर। ये सारी चीजें मिक्स करेंगे हम इसमें। फ्लेम हमने लो रखा है, अब इसे कवर करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, मसाले हमारे भून चुके हैं और अनियन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, देखिए बहुत अच्छे से मसाले हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ ऐड करेंगे पालक का पेस्ट। पालक पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। प्रॉपरली आपको मिक्स करना है और इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 मिनट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज, इसे भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। पोटैटोज ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। इसे हम कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटाकर लेड हटाकर चेक करेंगे।
हम यहाँ ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला। चिली पाउडर हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं चिली पाउडर। यहाँ हमने सिर्फ 1 चम्मच ऐड किया है। इसे हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी हमने लगभग 1 कटोरी इसमें ऐड किया है। स्टैंडर्ड साइज के जो बोल आते हैं उससे हमने 1 कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसे कवर करके पानी को उबलने देंगे ताकि ये थोड़ा ये सब्जी जो है वो गाढ़ी हो जाए। 5 मिनट के लिए हमने ढककर पकाया लो फ्लेम पर। लिड हटाकर हम चेक करेंगे, सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये सब्जी कितनी डिलीशियस टेस्टी दिख रही है। बहुत टेस्टी होती है सब्जी खाने में, चटपटी भी होती है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं बटर के साथ या घी के साथ। बहुत टेस्टी होती है। आप बॉइल्ड राइस, बटर रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस सब्जी होती है। तो आप भी इस तरीके से पालक आलू बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।